एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल कीड़ा, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आपका और हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल कीड़ा में। तो फ्रेंड्स, आज के इस सेक्शन में हम बात करने वाले हैं रा आंकड़े का प्रयोग भाग टू। इसकी पिछली वीडियो में हमने आपको बात किया था रा आंकड़े का प्रयोग भाग वन। तो क्या आप सब तैयार हैं आज के कंसेप्ट पढ़ने के लिए? चलिए फटाफट सबसे पहले अपनी बुक ओपन कर लीजिए, ऋषि प्रणाली हिंदी संकेत लिपि की बुक आप कर लीजिए ओपन फटाफट। ठीक, चलिए ओपन हुई। ठीक, तो सीधा सीधा आप पहुंच जाइए पेज नंबर 93 और 94 के बीच। ठीक, तो देखिए फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि देखिए, अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन बेल को अगर आप प्रेस किए रहेंगे तो जो भी वीडियोस हम अपलोड करते हैं उसकी नोटिफिकेशन जितने भी आप सब भाई और बहनों जितने भी पढ़ रहे हैं उन सभी के पास मेरा जो भी मैं अपलोड करता हूँ वीडियो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहेंगी। चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए आज के अपने सेक्शन को हम करते हैं स्टार्ट। आज का सेक्शन की हम बात करेंगे, तो सेक्शन अपना है आज का, ठीक, आज का अपना सेक्शन है देखिए रा आंकड़े का प्रयोग। ठीक, रा आंकड़े का प्रयोग वो भी भाग टू है। ठीक, देखिए पहले कंसेप्ट समझिए। देखिए, इसके पिछली वीडियो हमने आपको बताया था, चार कंसेप्ट बताया था रा आंकड़े का प्रयोग, चार पॉइंट बताया था। आज बात करेंगे हम पॉइंट नंबर फाइव से। पॉइंट नंबर फाइव देखिए, कंसिडर कीजिए। देखिए लिखा क्या हुआ है इसमें, जिस व्यंजन में रा का आंकड़ा लगता है, यानी कोई भी व्यंजन है उसमें रा आंकड़ा लगता है। ये कह रहा है कि जिस किसी भी व्यंजन में रा का आंकड़ा, देखिए रा का आंकड़ा लगता है, पहले व्यंजन पढ़ा जाता है और फिर यह आंकड़ा पढ़ा जाता है, पहले आंकड़ा पढ़कर व्यंजन नहीं पढ़ा जाता। पॉइंट पर कंसंट्रेट कीजिएगा। ठीक, देखिए बात करेंगे हम, लिखा हुआ है फिर समझिए पॉइंट कि देखिए, जिस व्यंजन में, समझिएगा पॉइंट को, जिस व्यंजन में रा का आंकड़ा लगता है, ठीक समझे, यानी जिस व्यंजन में रा का आंकड़ा लगता है, यहाँ तक क्लियर, पहले व्यंजन पढ़ा जाएगा। ठीक, मान लीजिए कोई भी व्यंजन हो उसमें रा का आंकड़ा लग, ऐसे तो एक तौर समझिए, देखिए कोई भी व्यंजन है, यानी कोई भी व्यंजन उसमें अगर रा का आंकड़ा लग रहा है तो पहले व्यंजन पढ़ा जाएगा, रा का आंकड़ा नहीं पढ़ा जाएगा, पहले पढ़ा जाएगा व्यंजन और फिर उसके बाद आंकड़ा पढ़ा जाएगा, क्लियर। देखिए इसी साथ देखिए क्राकरी लिखा हुआ है, क्राकरी, तो समझिए इसी पॉइंट से हम आपको समझा देंगे जो हमने आपके सामने लिया है। देखिए कोई आपको डाउट्स नहीं रहेंगे। ठीक, देखिए लिखा हुआ है क्राकरी, तो देखिए पहले हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, देखिए का लिखेंगे और फिर इसी में क्रा, देखिए पहले पढ़ेंगे का, देखिए क्या कह रहा है ये, पहले व्यंजन पढ़ा जाएगा, यानी क्रा में पहले हम पढ़ेंगे का पढ़ना है ना, फिर क्रा, क्रा से क्रा ही पढ़ लेंगे इसको हम और क्री भी पढ़ लेंगे। ठीक, उसके बाद देखिए प्राप्री, देखिए प्रा भी पढ़ लेंगे प्री भी पढ़ लेंगे, उसके बाद देखिए त्रा भी पढ़ लेंगे त्री भी पढ़ लेंगे। ठीक, उसके बाद देखते रहिए मरा भी पढ़ लेंगे, देखिए मरा भी पढ़ लेंगे और निरी भी पढ़ लेंगे इसको। ठीक, आई होप इट इज क्लियर, इतनी बात क्लियर। तो देखिए अब बात करेंगे अपने अगला पॉइंट देखिए क्या दिया है, नियमानुसार जो मात्राएं इस रा आंकड़ा में लगे हुए व्यंजन के पहले आती हैं, समझिएगा पॉइंट, नियमानुसार यानी कोई भी मात्राएं इस रा आंकड़े में लगे हुए व्यंजन के पहले आती हैं, वह व्यंजन पहले पढ़ी जाती है और जो मात्राएं व्यंजन के बाद आती हैं वह व्यंजन के बाद ना पढ़ी जाकर रा आंकड़े के बाद पढ़ी जाती हैं, क्योंकि व्यंजन और रा आंकड़े के बीच कोई मात्राएं नहीं होती। आई होप इट इज क्लियर, पॉइंट समझ गए होंगे आप। अब देखिए इसमें समझिएगा प्रेस, देखिए फिर देखिए इसको, देखिए पाप हमें एक ही मात्रा, ठीक देखिए इसमें क्या कह रहा, नियमानुसार जो मात्राएं इस रा आंकड़े में लगे हुए पहले व्यंजन में आती है। ठीक, देखिए पा है ना, पहला व्यंजन पा आएगा, पहले प्रे, पहले व्यंजन कौन आ रहा है, पा आ रहा है, फिर उसमें यानी नीचे की तरफ जो रा होता है वो लग रहा है, फिर सा का,
आंकड़ा सॉरी सा का मात्रा या सॉरी सा व्यंजन आ रहा है। ठीक, देखिए प्रे सा तो मात्रा किसमें लगाएंगे, देखिए तो वह पहले पढ़ी जाती है और जो मात्राएं व्यंजन के बाद आती हैं वह व्यंजन के बाद ना पढ़ी जाकर बल्कि कब पढ़ी जाती हैं, आंकड़ा आंकड़े के बाद। अब देखिए समझिए मेरी बात, प्रेस ये लिखा हुआ है प्रेस, तो देखिए पहले प आ रहा है फिर र आ रहा है फिर स आ रहा है, समझिएगा इस बात को। ठीक, तो देखिए पहले हम क्या लिखेंगे, देखिए पहले प आ रहा है, देखिए पहले हम इसी में र भी बना देंगे और सा, देखिए पहले र प आ रहा है दूसरा स आ रहा है सॉरी पहले प आ रहा है फिर र का आंकड़ा आ रहा है फिर स आ रहा है, तो पहले हम क्या पढ़ेंगे प पढ़ेंगे, तो प पढ़ेंगे फिर उसके बाद ना पढ़ेंगे तो प की मात्रा प के साथ ही लग जाएगी प्रेस। ठीक, आई होप इट इज क्लियर, बात क्लियर हो गया आपको। ठीक, उसके बाद देखिए प्रेम, पहले प पढ़ेंगे हम फिर रा का आंकड़ा यूज होगा फिर उसमें माँ प्रेम। ठीक, फिर उसके बाद देखिए दिया हुआ इसमें श्री श्री, फिर उसके बाद अस्त्र, फिर प्रोग्राम, देखिए प्रो, देखिए प्रो, और देखिए इसमें ग्रा 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 रहा है ना, तो देखिए रा आंकड़े के बाद मात्रा नहीं पढ़ेंगे हम, पहले व्यंजन पढ़ेंगे फिर मान, फिर देखिए पहले व्यंजन पढ़ेंगे फिर उसी में आंकड़ा जुड़ा रहेगा फिर उसमें बड़ा की मात्रा लगा दी और माँ मिलकर प्रोग्राम। फिर उसके बाद लिखा हुआ है ब्रिटेन, समझिएगा बात को। ठीक, देखिए ब्रिटेन, ठीक ब्रिटेन, आई होप इट इज क्लियर, आदि ऐसे ही आप कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए लिखा हुआ है पॉइंट नंबर सेवन, पॉइंट नंबर सेवन कंसिडर कीजिए, देखिए क्या कह रहा है पॉइंट नंबर सेवन, ऐसे शब्दों को भी, देखिए समझिएगा, ऐसे शब्दों को भी इस रा आंकड़े से लिख सकते हैं, कैसे शब्दों को भी, देखिए ऐसे शब्द जो दिया है ये जो दिया है, ठीक इसी की बात कर रहा है ये, ऐसे शब्दों को भी इस रा आंकड़े से लिख सकते हैं जहां, समझिए जहां व्यंजन और रा आंकड़े के बीच कोई दीर्घ स्वर ना आकर छोटे स्वर आ या ई या उ की मात्राएं आती हैं। बात समझे आप, फिर समझिए बात, ऐसे शब्दों को भी इस रा आंकड़े से लिख सकते हैं जहां व्यंजन और रा आंकड़े के बीच, बात क्या हो रहा है, व्यंजन की बात हो रही है और आंकड़े की, यानी व्यंजन और रा आंकड़े के बीच कोई दीर्घ स्वर, यानी कोई, देखिए व्यंजन है और र का आंकड़ा भी है और उसमें कोई दीर्घ स्वर ना आकर छोटे स्वर आ ई या उ की मात्राएं आती हैं। ठीक, बात क्लियर, यानी कि इस लिख सकते हैं लेकिन व्यंजन और रा आंकड़े के बीच कोई दीर्घ स्वर ना नहीं आता, यानी नहीं आता, ठीक छोटे स्वर आ ई या उ की मात्राएं आती हैं, बात क्लियर। देखिए पा पे एक ही मात्रा पे और डबल, देखिए फिर पा और रा मिलकर पेपर। ठीक, उसके बाद देखिए पीपर, देखिए पापा में ई की मात्रा आ रही है, हमने आपको बताया है कंसेप्ट कि देखिए जब दूसरे, जब पहले व्यंजन की मात्रा आ रही हो उसके बाद दूसरा व्यंजन हो तो पहले व्यंजन की मात्रा दूसरे व्यंजन के पहले पक्ष में लग जाती है, पापा में ई की मात्रा पारा मिलकर पीपर। ठीक, उसके बाद बर सड़ा की मात्रा मिलकर बरसात। उसके बाद मरना, देखिए मरना, देखिए आपके दिया है आपके बुक में दिया हुआ, ठीक देखिए मारा मर ना बड़ा की मात्रा ना मरना। उसके बाद देखिए झरना, ठीक उसके बाद देख क्या लिखा हुआ है, झरना झर नाम बड़ा की मात्रा झरना। आई होप इट इज क्लियर, इतनी बात क्लियर। देखिए कोई भी डाउट्स आपको नहीं रहने चाहिए, मैं वीडियो के शुरू में और वीडियो के अंत में यही बोलता हूँ, देखिए जो भी आपको डाउट्स रहे बेचक आप कमेंट बॉक्स में डालिए, आपको उसको जो भी आप ये रहेंगे, जो भी आपको डाउट्स रहेंगे उसको सोल्यूशन आपके कमेंट बॉक्स में ही दिया जाएगा। ठीक, तो देखिए उम्मीद है कि आपको कोई भी डाउट्स नहीं होंगे, फिर भी अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अब बात करेंगे अगले पॉइंट, अगला पॉइंट चूंकि पॉइंट नंबर एट है, देखिए इसमें दिया हुआ है पर यदि, इसके अतिरिक्त पर यदि, देखिए पर यदि पहले व्यंजन, समझिएगा पर यदि पहले व्यंजन और रा के बीच कोई दूसरी दीर्घ मात्रा आए या रा के पहले आने वाले व्यंजन के साथ ना पढ़ा जाकर अकेला या बाद वाले,
व्यंजन के साथ पढ़ा जाए तो रा का आंकड़ा ना लिखा जाकर रा को पूरा लिखा जाता है। देखिए ये आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक, पेज नंबर 94 पर देखिए एकदम नीचे तौर से, ठीक। फिर समझिए पॉइंट को, देखिए, पर यदि पहले व्यंजन, ठीक, पहला व्यंजन जो भी हो सेंटेंस शब्द का, पर यदि पहला व्यंजन और रा के बीच कोई दूसरी दीर्घ मात्रा आए, ये कह रहा है कि कोई पहला व्यंजन हो और उसके बाद कोई रा आंकड़ा हो, ठीक, रा के बीच पहला व्यंजन और रा के बीच कोई दूसरी दीर्घ मात्रा आए, या रा के पहले आने वाले व्यंजन के साथ ना पढ़ा जाकर अकेला या बाद वाले व्यंजन के साथ पढ़ा जाए तो रा का आंकड़ा ना लिखा जाकर रा को पूरा लिखा जाता है। समझ गए पॉइंट। देखिए जैसे पपरा, देखिए पपरा समझिए, पा पा रंबड़ा खमा, देखिए देखिए एक दो तीन, इसमें तीन व्यंजन है, देखिए पहले पा है फिर रा है, रंबड़ा की मात्रा, इसको जोड़ना है हमको, ठीक। तो देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए पा परा, क्या इसको ऐसे लिखेंगे, पा और परा भी पढ़ेंगे, बताइए परा भी पढ़ेंगे इसको हम, देखिए समझिएगा पॉइंट, ठीक। देखिए इसमें क्या लिखा है, पपरा लिखना है हमको, देखिए इसमें क्या करेंगे हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक। देखिए पा और पा में, देखिए इसको डबल बनाना है पा, देखिए पा और पा रन बड़ा आ की मात्रा मिलकर पपरा, उसके बाद देखिए मकड़ी, देखिए मा का लाल बड़ी की मात्रा मकड़ी, फिर उसके बाद देखिए लिखा हुआ है बाजरा, बा जा राम बड़ा की मात्रा बाजरा, ये कह रहा है पॉइंट, समझिएगा कि देखिए जब रा आंकड़े के बाद कोई मात्रा, समझिए इसको आप भूल जाइए, ये कह रहा है कि मान लीजिए रा अगर कोई व्यंजन है, ठीक, रा व्यंजन आ रहा है, अगर उसके बाद कोई मात्रा आ रही है, ठीक, हम रा व्यंजन रा आंकड़ा न बनाकर बल्कि हम रा को पूरा लिखेंगे, देखिए दिख रहा है ना पूरा लिखेंगे, तो वही कंसेप्ट इसमें लग रहा है, तो बाजरा, ठीक। उसके बाद भूखमरा, देखिए भूखमरा, देखिए भाव में ऊ की मात्रा भूख, मा रंबड़ा की मात्रा भूखमरा। आई होप इट इज क्लियर, ठीक। तो आज के सेक्शन को हम यहीं तक रखते हैं, देखिए इसकी पिछली वीडियो हमने बताया था रा आंकड़े का प्रयोग भाग वन, और आज की वीडियो है रा आंकड़े का प्रयोग भाग टू। अब देखिए अब इसके बाद कल की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे रा आंकड़े का प्रयोग भाग थ्री, क्योंकि इसको हम छोटे छोटे कंसेप्ट, देखिए थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट लेकर चल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट लेकर चलेंगे तो आपको कोई भी डाउट्स नहीं होंगे। तो देखिए इसमें रा आंकड़े का प्रयोग में एक भाग और जाएगा, ठीक। तो फ्रेंड्स देखिए आज हमने आपको बताया रा आंकड़े का प्रयोग, इसमें कोई भी डाउट्स हो या इसके अतिरिक्त कोई भी डाउट्स हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स कीजिए, आपको इसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स आपसे हमने शुरू में एक विनती की थी कि देखिए अभी आपका चैनल नया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए, तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आप सब शेयर कर रहे होंगे, ठीक, अपने चैनल को यानी लेवल पर पहुँचा, यानी देखिए धीरे धीरे एक लेवल बन जाएगा तो पढ़ने और पढ़ाने में मज़ा भी आएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, डेट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।